कैसे हो आप सभी। मैं आपका दोस्त आशु आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 93 की फ्लोर के बारे में। तो आज हमारे पास आ चुके हैं कुछ लग्जरी प्रीमियम फ्लोर, जो कि अगर आप लोग कुछ फ्लोर का प्लानिंग कर रहे हो, बेसिकली हमारे पास काफी अच्छे ऑप्शन है जो कि प्राइसिंग भी काफी अट्रैक्टिव है। लगभग आप 92 लाख में 2 BHK इंडिपेंडेंट फ्लोर प्लान कर सकते हैं। लोकेशन बहुत ही अच्छी है, कनेक्टिविटी बहुत ही प्यारी है। 84 मीटर वाइड रोड पे आपका ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। तो अगर आप लोग फ्लोर या अपार्टमेंट प्लान कर रहे हो तो हमारे पास ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन जो हमारा रहने वाला है, सेकंड टॉपिक, ये बेसिकली हमारे पास आने वाला है इनका कमर्शियल, जो कि हाई स्ट्रीट मार्केट आप कह सकते हो, जिसमें कि सबसे छोटा इन्वेस्टमेंट 30 लाख, 30 लाख रुपए में आपको दुकान मिल रही है। अभी आपने सिर्फ पे करना है 35%। तो दुकान मकान हमारे पास दोनों ऑप्शन है। इन्वेंटरी के लिए आप हमसे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लोकेशन, कनेक्टिविटी, लोकेलिटी, सराउंडिंग का ही एक पॉइंट रहता है। जितनी अच्छी सराउंडिंग हमारी होगी उतना ही अच्छा हमारा एप्रिसिएशन होगा। तो अगर मैं कमर्शियल की बात करता हूँ, कमर्शियल में जो सबसे छोटा इन्वेस्टमेंट हमारे पास 30 लाख रुपए में आ रहा है, इसमें आप इजीली पेमेंट प्लान भी है आपका 35 30 35 का। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान है जो कि इजीली आप इसको अफोर्ड कर सकते हो। अगर आप लोग फ्लोर का प्लान कर रहे हैं तो फ्लोर भी आप प्लान कर सकते हो। सिग्नेचर ग्लोबल के साथ में जुड़े और काफी अच्छा आप लोग को इसमें एप्रिसिएशन मिलेगा। अगर आप रेंट आउट भी चीजें करते हैं तो इजिली चीजें यहाँ पे रेंट आउट हो रही हैं, क्योंकि सराउंडिंग इनका बहुत ही प्यारा है। DLF जैसी सोसाइटीज आपके सराउंडिंग में है, बेस्टर जैसी सोसाइटीज आपके सराउंडिंग में। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं इसकी एक्चुअल साइड आप लोग के साथ में। सिग्नेचर ग्लोबल 93, जहाँ पे फ्लोर भी है इनके और कुछ इन्वेंट्री हमारे पास बची है कमर्शियल की। तो ये बेसिकली एक्चुअल सेट है प्रोजेक्ट की। कितना फुटफॉल है आप लोग आइडिया लगा सकते हैं। और ये सामने बेस्टेक की प्रॉपर्टी, जहां पे फैमिलीज मूव कर चुकी हैं। पार्किंग भी फुल हो चुकी है, पार्किंग का एक बार आप लोग व्यू देख सकते हैं। तो इसमें बेसिकली अगर आप लोग अपार्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको वो भी इन्वेंट्री मिल जाएगी। अगर आप लोगों ने छोटा इन्वेस्टमेंट करना है जो कि प्री लिस्ट के साथ में है, तो आप वहाँ पे यहाँ पे वो भी आप प्लान कर सकते हो, जो कि 28 से 30 लाख रुपए का छोटा इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे 15 से 20 हजार रुपए आप रेंटल कमा सकते हैं। बैक साइड में भी प्रॉपर्टीज हैं सारी, आप लोग देख पा रहे होंगे। फुटफॉल आप लोग के सामने है, कितना रश है, क्योंकि सिग्नेचर ग्लोबल का काफी नाम है मार्केट में। जितनी कार्स हैं उससे 2-3 गुना ज्यादा लोग दिखाई आप लोग को दे रहे होंगे। अगर आप लोग कुछ भी प्लान कर रहे हो, दुकान या मकान, दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल हैं। मौसम भी काफी प्यारा हो रहा है, सराउंडिंग आप लोग के सामने है, चारों तरफ सोसाइटीज ही सोसाइटीज हैं यहाँ पे। अब हम एक बार समझ लेते हैं मॉडल के थ्रू कौन सा रोड है, क्या कनेक्टिविटी है, कितने अपार्टमेंट है। तो भाई साहब यहाँ पे जो रोड की कनेक्टिविटी है, क्या रोड की चौड़ाई रहेगी यहाँ पे,
ये जो हमारा एंट्री रहेगी जी आपकी 84 मीटर वाइड रोड पे रहेगी। 84 मीटर वाइड रोड से आपकी कनेक्टिविटी रहने वाली है। 60 मीटर आपका मिड में है, 12 मीटर की आपकी दोनों साइड में आपकी रहने वाली है सर्विस रोड। ठीक है जी, ये जो आपका एक मॉडल बना हुआ ये किस चीज का जी? ये कमर्शियल हमारा। तो बेसिकली कमर्शियल जो आपका रहने वाला है वो बैंक ऑन 84 मीटर वाइड रोड पे रहने वाला है। और जो सराउंडिंग में आपके अपार्टमेंट, लगभग कितने अपार्टमेंट यहाँ पे रहने वाले हैं? 996 लगभग आपके अपार्टमेंट, अप्रोक्सीमेटली 1000 आपके अपार्टमेंट यहाँ पे रहने वाले हैं। और जो ये कनेक्टिविटी आप लोग दिखाना चाह रहे हैं ये किस चीज की कनेक्टिविटी है? ये हमारे पैडला का एक 60 मीटर रोड निकल रहा है जो DLF और 311। अच्छा, 60 मीटर की भी आपकी कनेक्टिविटी रहने वाली है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये टोटल लैंड पैच कितना रहेगा यहाँ पे? 17.5 एकड़ का लैंड पैच रहने वाला है। यहाँ पे आपकी दो कनेक्टिविटी हो चुकी है, तीसरी कोई कनेक्टिविटी यहाँ पे रहने वाली है? 24 मीटर रोड से भी आपकी कनेक्टिविटी रहने वाली है। मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा, ये बेसिकली आपकी 24 मीटर रोड की कनेक्टिविटी, बाकी सारी आपकी रहने वाली है एमिनिटीज। तो प्रोजेक्ट आपका काफी अच्छा है। कमर्शियल में अगर मैं बात करूँ स्टार्टअप लगभग 28-30 लाख रुपए का रहने वाला होगा, राइट? की बात में 2BHK इन्वेंट्री यहाँ पे अवेलेबल है, 2BHK इन्वेंट्री आपकी यहाँ पे रहने वाली है अवेलेबल। तो स्टार्टिंग प्राइस क्या कह सकते हैं आप लोग? 1.4 लगभग आप यहाँ पे कह सकते हैं। 1 CR से 2BHK आपका स्टार्टिंग है। 2BHK का साइज कितना रहने वाला है यहाँ पे? 981 और 1118 लगभग 981 स्क्वायर फीट का आपका रहने वाला है 2BHK। अगर मैं वही बात करता हूँ 3BHK की, तो 3BHK का प्राइस क्या रहने वाला है यहाँ पे? 1.36 लगभग आपका 3BHK जो स्टार्टिंग प्राइस रहने वाला है 1.36 लगभग आपका प्राइस। आप मान के चलिए काफी अफोर्डेबल प्राइस भी आप कह सकते हो इसमें 3BHK की। अगर मैं साइज की बात करता हूँ, साइज यहाँ पे कितना रहने वाला है? दो साइजेस है, 1496 स्क्वायर फीट का। 1496 सबसे पहला जो आपका साइज रहने वाला है 1496। अगर मैं दूसरे साइज की बात करता हूँ 1530 1530 स्क्वायर फीट का आपका रहने वाला है। उसका प्राइस क्या रहने वाला है? 1.40 लगभग 1.5 CR में आपको 3BHK मिलने वाला है, जो कि बड़ा साइज है। तो इन्वेंट्री आपकी लिमिटेड है, उठाइए फोन, लगाइए कॉल और आज ही सिग्नेचर ग्लोबल के साथ में जुड़िए और इनकी सोसाइटीज का बेनिफिट आप ले सकते हैं। एमिनिटीज में कोई भी दोराई नहीं है। एमिनिटीज यहाँ पे क्या क्या रहने वाली है? यहाँ पे आपकी स्केटिंग रिंग होना है, बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट और क्रिकेट की पिच। क्रिकेट की पिच भी है, बैडमिंटन कोर्ट भी है, स्केटिंग रिंग भी है और ओपन स्पेस भी यहाँ पे काफी दे रखा है। तो लोकेशन बहुत प्यारी है, कनेक्टिविटी बहुत प्यारी है और सराउंडिंग आप लोग देख सकते हैं कितना फुटफॉल है यहाँ पे, जो कि बैठने तक के लिए जगह नहीं बच रही है, सारे केबिन फुल है यहाँ पे। तो अब हम जान लेते हैं इस कमर्शियल के बारे में क्योंकि फ्रंट पे है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सर, इसमें जो कनेक्टिविटी है वो क्या रहने वाली है कमर्शियल की? जो कमर्शियल की एंट्री है वो आपकी मेन 84 मीटर रोड से रहेगी। अच्छा, तो कमर्शियल की जो एंट्रेंस रहने वाली है वो आपकी 84 मीटर वाइड रोड से रहने वाली है। 60 मीटर आपका रोड ये है और 12 मीटर की रोड आपके दोनों साइड से रहने वाली है। ठीक है जी, अगर मैं बात करूँ इसके फ्लोर की, कितने फ्लोर का ये कमर्शियल आपका? हमारे पास 4 फ्लोर हैं, लोअर ग्राउंड फ्लोर, अपर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड। तो बेसिकली आपका LGF, UGF फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर की हाइट रहने वाली है। ठीक है जी, अगर मैं वही बात करूँ कि इस कमर्शियल में एक तो फुटफॉल आने वाला है आपका सिग्नेचर के जो अपार्टमेंट है लगभग 1000 अपार्टमेंट। उसके बाद जो इसके सराउंडिंग में प्रॉपर्टीज हैं वो कौन कौन सी रहने वाली हैं? सबसे पहले हमारे बिल्कुल अपोजिट आपका बेस्ट टेक के पार्क संस्कृति आ जाता है। ये आपका कमर्शियल हो गया, इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे आप आईडी लगा सकते हैं, यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट है बेस्ट टेक संस्कृति। तो यहाँ पे फैमिलीज मूव कर चुकी हैं, राइट? ऑलरेडी रेडी टू मूव। ठीक है जी, उसके बाद और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं आपका? उस साइड अगर हम क्लब के बगल में देखें तो आपका DLF न्यू टाउन हाइट्स आ जाता है और वर्धमान फ्लोरा के नाम। तो बेसिकली यहाँ पे DLF की भी टाउनशिप है और आपने सेकंड नाम क्या बताया? श्री वर्धमान फ्लोरा के नाम से भी प्रॉपर्टीज यहाँ पे सराउंडिंग में है। तो फुटफॉल आपका काफी यहाँ पे रहने वाला है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्टार्टिंग दुकान का प्राइस क्या रहने वाला है? 30 लाख रुपीज, लगभग 30 लाख रुपए में यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि प्री लिस्ट है। तो यहाँ पे जो ब्रांड्स हैं वो लगभग आ चुकी होंगी, लगभग यहाँ पे 12 ब्रांड्स आ चुके हैं जो कि आपको रेंटल दे रही हैं। लगभग आप मान के चलिए जो कि 80-85 रुपए पर स्क्वायर फीट आपको रेंटल मिलने वाला है यहाँ पे। अगर मैं ब्रांड्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे लगभग हमारे पास 12 ब्रांड्स हैं जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। ये आपकी मिठास, रोज किंग, अमृतसरी एक्सप्रेस, मोती महल, इमली, वाह मोमो, चाइनीज वर्क, शिकागो पिज्जा, वाव चाइना,
वाव चिकन करीम्स चाय ठेला। सो बेसिकली ये 12 ब्रांड्स आपकी इस कमर्शियल में आ चुकी हैं, जैसे कि आप लोग सेकंड फ्लोर पे इन्होंने फूड कोर्ट दे रखा है। इजली आपकी दुकान यहाँ पे रेंटल देके जाएगी, किसी भी टाइप की कोई भी आपने प्रॉब्लम फेस नहीं करनी है। तो प्रोजेक्ट काफी अच्छा है, लोकेशन बहुत प्यारी है, कनेक्टिविटी लोकेलिटी से ही सारी चीजें मैटर करती है कि कमर्शियल आपका कितना अच्छा एप्रिसिएशन देके जाएगा। तो बेसिकली अभी ये प्री लॉन्चिंग चीजें हैं, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जो कि 31 लाख रुपए से आपका स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो आप लोग कर सकते हो। बाकी हमारे पास साइज काफी बड़े भी हैं जो कि बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर आप लोग करना चाहते हो तो बड़ा इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हो। तो ये सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 93 के नाम से प्रोजेक्ट है, सेक्टर 93, दिए गए नंबर पे कॉल करना बिल्कुल भी ना भूले।